हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज का मेरा यह लेक्चर ईयर 206 वेव प्रोपगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की यूनिट 6 से संबंधित है। इस लेक्चर में हम इनडायरेक्ट मेथड, जिसे कि आर्मस्ट्रांग मेथड भी कहा जाता है, को यूज करते हुए FM ट्रांसमीटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि वाइड बैंड FM सिग्नल का जनरेशन होता है। वाइड बैंड FM सिग्नल कौन से, जिसके लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ये जो वाइड बैंड FM सिग्नल है, उनकी जनरेशन के 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए वाइड बैंड FM सिग्नल का जनरेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मेथड को इनडायरेक्ट मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस मेथड में वाइड बैंड FM सिग्नल को इनडायरेक्टली नैरो बैंड FM सिग्नल के थ्रू जनरेट किया जाता है, इसलिए इस मेथड को इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है। मीन सबसे पहले हम नैरो बैंड FM सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद इसे एक फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर के थ्रू पास किया जाता है, जिससे कि हमें वाइड बैंड FM सिग्नल मिलता है। इस प्रकार इनडायरेक्टली हमने वाइड बैंड FM सिग्नल को नैरो बैंड FM सिग्नल से जनरेट किया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है कि इसे आर्मस्ट्रांग मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वाइड बैंड FM सिग्नल को जनरेट करने का जो इनडायरेक्ट मेथड है, इसे सबसे पहले EH आर्मस्ट्रांग ने प्रपोज किया था, इसलिए इसे आर्मस्ट्रांग मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पे वाइड बैंड FM सिग्नल की जनरेशन का जो इनडायरेक्ट मेथड है, इसके लिए FM ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बेसबैंड सिग्नल जो है ये, इसे इंटीग्रेटर के थ्रू पास करवाया जाता है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो इंटीग्रेशन है, ये नैरो बैंड PM सिग्नल को नैरो बैंड FM सिग्नल में चेंज करता है। कैरियर वेव को जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर है, जिसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी है FC, मीन्स यहाँ पे फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी भी बहुत हाई होगी, जो कि क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया गया है। और यहाँ पे ये कैरियर वेव और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फेज मॉड्यूलेशन से हमें जो है वो इस प्रकार आउटपुट में नैरो बैंड FM सिग्नल मिलेगा, जिसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी FC और फ्रिक्वेंसी डेविएशन जो है वो डेल्टा है। जब इस नैरो बैंड FM सिग्नल को फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास कराया जाता है एक हार्मोनिक जनरेटर से, तो हमें इसके आउटपुट में वाइड बैंड FM सिग्नल मिलता है, जिसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी डेविएशन दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम इस इनडायरेक्ट मेथड में इनडायरेक्टली नैरो बैंड FM सिग्नल से फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर के थ्रू वाइड बैंड FM सिग्नल को जनरेट करते हैं। इन दिस मेथड में नैरो बैंड FM सिग्नल इज फास्ट प्रोड्यूस बाई मॉड्यूलेटिंग द कैरियर वेव बाई बेस बैंड सिग्नल MT, देन रिजल्टिंग इन नैरो बैंड FM सिग्नल इज फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन वाइड बैंड FM सिग्नल। फेज मॉड्यूलेटर के आउटपुट से जो नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है, उसे S ऑफ NB FMT से डिनोट किया गया है। तो एक साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए जो नैरो बैंड FM सिग्नल है, उसकी इक्वेशन इस प्रकार दी जाती है, S ऑफ NB FMT इक्वल्स टू AC cos ऑफ 2π FCT प्लस बीटा साइन 2π FMT, जहाँ पे FC जो है वो कैरियर फ्रिक्वेंसी है, बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है और FM जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है। चूंकि हम जानते हैं कि नैरो बैंड FM सिग्नल के लिए बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, जबकि वाइड बैंड FM सिग्नल के लिए बीटा ग्रेटर देन 1 होता है। अब चूंकि नैरो बैंड FM सिग्नल से वाइड बैंड FM सिग्नल को जनरेट करना है इनडायरेक्टली, तो इसके लिए नैरो बैंड FM सिग्नल को फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर के थ्रू पास किया जाता है। ये जो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर है, ये एक नॉन लीनियर डिवाइस होती है, जो कि एक प्रॉपर बैंड पास फिल्टर से फॉलोड होती है। फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर के से जो आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेंसी के n टाइम्स होती है, जहाँ पे n जो है वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि ये फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर है यहाँ पे, जो कि मैंने अभी बताया कि एक नॉन लीनियर डिवाइस होती है, जो कि बैंड पास फिल्टर से फॉल आउट होती है। तो जब इस फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर के इनपुट में FM सिग्नल ST दिया जाता है, जिसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी FC है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा है, तो इससे आउटपुट में हमें जो सिग्नल मिलेगा FM सिग्नल ST, उसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी और मॉड्यूलेशन इंडेक्स दोनों इंक्रीज हो जाते हैं इस n मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी, जैसे कि कैरियर फ्रिक्वेंसी NFC हो जाती है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स NB हो।
नैरो बैंड एफएम सिग्नल को जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के थ्रू पास कराया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के आउटपुट में हमें वाइड बैंड एफएम सिग्नल मिलता है, जिसकी इक्वेशन इस प्रकार है, एस ऑफ वाइड बैंड एफएम ऑफ टी इक्वल्स टू ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एन एफ सी टी प्लस एन बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। तो चूंकि हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के इनपुट के कंपेरिजन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के आउटपुट जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स इनमें इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वाइड बैंड एफएम सिग्नल के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी जो एफसी थी वो इंक्रीज होकर एनएफसी हो गई है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी इंक्रीज होकर एन बीटा हो गया है। इस प्रकार जैसे कि अगर के इनपुट में कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी थी तो वो इंक्रीज होकर एनएफसी हो जाती है, और बीटा है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर इंक्रीज होकर एन बीटा हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी डेविएशन में भी इंक्रीज होता है और वो भी एन डेल्टा एफ हो जाता है, लेकिन जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफएम है उसमें कोई इंक्रीज नहीं होता है, वो सेम ही रहती है, क्योंकि मल्टीप्लायर से पास करने के बाद जो सक्सेसिव फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग सेम ही रहती है, इस वजह से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी एफएम में कोई चेंज नहीं होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि वाइड बैंड एफएम सिग्नल के लिए जो बीटा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स वो ग्रेटर देन वन होती है, और जबकि यहाँ पे जैसे अब वाइड बैंड एफएम सिग्नल के लिए बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज हो गई एन बीटा हो गई है, तो अब यहाँ पे एन बीटा जो है वो इस प्रकार होना चाहिए कि ये ग्रेटर देन वन हो, जैसे कि अगर बीटा 0.2 है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एन जो है उसकी वैल्यू कम से कम 6 होनी चाहिए तभी ये वाइड बैंड एफएम सिग्नल होगा, तो एन बीटा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए यहाँ पे। तो इस प्रकार हमने वाइड बैंड एफएम सिग्नल को इनडायरेक्टली नैरो बैंड एफएम सिग्नल के थ्रू जनरेट किया है। थैंक यू।